गुड मॉर्निंग। कक्षा सात के अंदर अपन ने त्रिभुज और त्रिभुजों के गुणों के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे और त्रिभुज के जो कोण हैं उस अज्ञात कोणों की अज्ञात कोणों के मान ज्ञात करने की अपन चर्चा कर रहे थे। तो अगर किसी त्रिभुज का अज्ञात यदि कोण ज्ञात करना है तो आप त्रिभुजों के प्रकार पर त्रिभुजों की गुण है और त्रिभुजों की विशेषता है उसके आधार पर आप त्रिभुजों का अज्ञात जो मान है वो मान ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वो समकोण त्रिभुज हो चाहे वो विषमबाहु त्रिभुज हो। तो वो तो क्वेश्चन की प्रकृति के आधार पर त्रिभुज की प्रकृति के आधार पर आप पता लगा सकते हैं कि इस त्रिभुज का अज्ञात गुण कौन सा होगा। आज अपन चर्चा करेंगे कि त्रिभुज बन सकता है अथवा नहीं बन सकता, भुजाओं की माप के आधार पर, भुजाओं की माप के आधार पर अपन कैसे पता लगाएं कि यह त्रिभुज बन सकता है अथवा नहीं बन सकता। त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर अपने को पता करना है कि वो त्रिभुज बन सकता है अथवा नहीं बन सकता। देखिए त्रिभुज के अंदर भुजाएं कितनी होती हैं, तीन, और उन्हीं तीन तीनों भुजाओं के आधार पर अपने को पता करना है कि उसका त्रिभुज बन सकता है अथवा नहीं बन सकता। तो देखिए अपने एक काम करते हैं कि ए बी और सी ये त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं और इन्हीं तीनों भुजाओं की माप के आधार पर अपने को पता करना है कि इसका त्रिभुज बन सकता है अथवा नहीं बन सकता, अपने को ये देखना है। तो त्रिभुज बनेगा अथवा नहीं बनेगा इसकी जांच करने के लिए एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि त्रिभुज की कोई सी भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो देखो प्रथम दो भुजाओं का योग किया तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, इन दोनों भुजाओं का योग बड़ा होना चाहिए तीसरी भुजा से, तो त्रिभुज बन सकता है, त्रिभुज बन सकता है। अब आ जाओ आगे की दो भुजाएं, अगर दूसरी और तीसरी भुजा को जोड़ा जाए तो भी योग बड़ा होना चाहिए। बी और सी, ए और सी को भुजाओं का योग बड़ा होना चाहिए तीसरी भुजा से। कुल मिला के बात यह है कि अगर कोई सी भी अगर दो भुजाओं को जोड़ा जाए तो दो भुजाओं को जोड़ने पर उनका योगफल जो तीसरी भुजा बच गई उस तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तब तो त्रिभुज बन सकता है अन्यथा नहीं बन सकता। ये तो है योगफल के आधार पर अपन तय करें कि त्रिभुज बन सकता है अथवा नहीं। आप भुजाओं के अंतर के आधार पर भी यानी भुजाओं को घटा करके भी आप पता लगा सकते हैं कि वो त्रिभुज बन सकता है अथवा नहीं बन सकता। तो कैसे पता लगाएंगे, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है, अंतर तो कम होता है और योग ज्यादा होता है, यानी कि पहली भुजा को दूसरी भुजा को बड़ी भुजा में से छोटी भुजा घटानी है। ये बात आपको भी ध्यान होनी चाहिए, ए माइनस बी तो बड़ा होना चाहिए कि तीसरी भुजा, बी माइनस सी बड़ी होनी चाहिए अन्य भुजा, सी माइनस ए बड़ी होनी चाहिए ये वाली भुजा। तो आप अंतर के आधार पर भी तीनों सिस्टम यदि अप्लाई होते हैं, तीनों सिस्टम यदि अप्लाई होते हैं तो आप आराम से पता लगा सकते हैं कि ये त्रिभुज बनने लायक है अथवा नहीं है, त्रिभुज बनने लायक है अथवा नहीं है आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इन्हीं भुजाओं के आधार पर अंदाजा लगा सकते हो कि वो त्रिभुज बन सकता है अथवा नहीं बन सकता। लेकिन आपको तीनों ही परिस्थितियां चेक करनी है,
योग के लिए कहा है, आप योग के आधार पर चेक कर सकते हैं। अंतर के आधार पर कहा है तो आप अंतर के आधार पर भी ज्ञात कर सकते हैं। वो आपकी स्थिति पर निर्भर करेगा कि पर्सन की स्थिति पर निर्भर करेगा, बाप की स्थिति पर निर्भर करेगा कि वो त्रिभुज बन सकता है अथवा। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, तीनों परिस्थितियां सही होनी चाहिए। तीनों परिस्थितियों में एक परिस्थिति भी यदि गलत पाई जाती है तो समझना वो त्रिभुज नहीं बन सकता, किसी के मत में नहीं बन सकता। 3, 4, 5 सेंटीमीटर की तीन माप, इन तीन मापों के आधार पर अपने को तय करना है कि त्रिभुज बन सकता है अथवा नहीं बन सकता। पहली ए, दूसरी ए, तीसरी ए प्लस बी बड़ी होनी चाहिए सी सी, 3 प्लस 4 बड़ा है 5, 7 बड़ा है 5 से, इसका मतलब किस हिसाब से त्रिभुज बन सकता है, हिसाब से त्रिभुज बन सकता है। उसी प्रकार बी प्लस सी बराबर बराबर बड़ा होना चाहिए ए, बी का मान 4, सी का मान 5, बड़ा है ए का मान 3, 9 इधर की, इस हिसाब से भी त्रिभुज बन सकता है। फिर सी प्लस ए बड़ा होना चाहिए बी, सी का मान 5 प्लस ए का मान 3, बड़ा है बी का मान 4, 8 बड़ा है 4, ये भी इस हिसाब से बन सकता है। तो इसका मतलब है कि आप तीन इन भुजाओं की माप के आधार पर तो हमें पता चलता है कि त्रिभुज का निर्माण संभव है, त्रिभुज बन सकता है। तो इस प्रकार से अपने को चेक करना है त्रिभुज बन सकता है अथवा नहीं। धन्यवाद। आपको छठी प्रश्नावली की जो आगे की सवाल है वह आपको करने हैं।